सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने मैथ्स के लिए पूरी प्लानिंग आपको लेक्चर वन में बता दी थी, तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कल पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ जीरो से शून्य की गणना। तो कल उसका एक लेक्चर हो गया था, तो आज उसका एक दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, लेक्चर ठीक है ना। तो कल हमने जहाँ बताया था तो आपको पूरा बेसिक टॉपिक क्लियर कर दिया था हमने। जो बच्चे आज ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो कृपया आप उसका पहला लेक्चर देख लें, क्योंकि कल हमने जो वीडियो अपलोड करा था उसमें हम इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बता सके कि काउंटिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, शून्य की गणना की जीरोस का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवाना चाह रहे हैं। तो कल हमने क्या बताया था आपको कि शून्य की गणना करने के लिए हम किसको देखते हैं, पाँच को देखते हैं, ठीक है। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं फिर, जैसे अगर मान लो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप हमें 1000 फैक्टोरियल में शून्य की गणना होता या नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है ना। अगर हम आपको बता चुके हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा हमारे पास में, 1000 का मतलब होगा ये 1000 इंटू कितना होगा 999 इंटू कितना होगा 998 इंटू करते करते ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका 1000 जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि जब आप इतनी बड़ी संख्या का गुणा कर लेते हो तो यहाँ से एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी, तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। तो कल हमने आपको बताया था कि जीरो देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, दो और पाँच का क्या देखना होता है, जोड़ा देखना होता है। जितने दो और पाँच के जोड़े मिलेंगे उतने क्या मिलेंगे, शून्यों की संख्या मिलेगी। फिर बाद में अपन ने ये देखा था कि दो की संख्या तो हमेशा जनरली ज़्यादा मिलती है, पाँच की कैसी मिलती है कम, तो इसलिए हम क्या देख लेते हैं, सिर्फ पाँच देख के काम चलाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कल हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, आपको अभी ध्यान रखना है कि वही प्रोसेस करेंगे कि अपन पाँच देखेंगे, क्योंकि पाँच कैसे मिलते हैं कम, पाँच कम मिलते हैं, तो क्या है पाँच हमेशा कम मिलेंगे, दो की संख्या कैसी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। आगे जो चेंजेस आएंगे हम बताते जाएंगे, अभी जो बता रहे हैं उसको अपन आगे समझते हुए चलते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पाँच देखना है, तो कल हमने इसमें देखा था कि पाँच के हमें कैसे संख्या देखेंगे, तो कल हमने आपको मेथड समझाया था बच्चे कि किस तरह देखते हैं अपन, कि अगर ये जैसे 1000 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 1000, तो इसमें पाँच को देखेंगे, तो ये मेथड हम कल वाली क्लास में आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, शेषफल, यहाँ पर शेषफल या क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है। तो क्या करना होता है, जितनी बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखते हैं, बचा हुआ कहाँ लिखा जाता है यहाँ, तो पाँच से भाग दो तो कितना जाएगा, पाँच दुनी 10, तो ये कितना जाएगा 00, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। फिर पाँच से भाग करो तो कितना जाएगा, ये 5 और 4 20, 40 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0। फिर पाँच से भाग करेंगे कितना जाएगा, 5 8 40, शेषफल कितना आएगा 0। फिर पाँच से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद पाँच से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ हमको रुक जाना है, ये हमारे किसी काम के नहीं होते, कल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है, एक स्टेप नीचे से हमने क्या बताया था बच्चे, जोड़ देना आपको, तो ये कितना हो जाएगा 48 49, तो कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 249। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि 249 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने पाँच मिलेंगे, पाँच की पावर कितनी मिलेगी 249 मिलेगी, मतलब इस पूरे गुणनफल में पाँच कितनी बार आएगा, 249 बार आएगा, और जितने पाँच आएंगे उतने ही क्या आएंगे बच्चे, दो और पाँच के क्या आएंगे, जोड़े आएंगे। तो दो और पाँच के जोड़े या पेयर भी कितने आएंगे हमारे पास में, 249 आएंगे, जोड़े या पेयर भी कितने आएंगे, 249 आएंगे। तो 249 जोड़े आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस या शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस या शून्य की संख्या, शून्य की संख्या या शून्य की गणना कितनी आएगी, शून्य की गणना या संख्या कितनी आएगी बच्चे, 249 आएगी, कितनी आएगी 249। इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल का मतलब ये हुआ कि जब आप इन पूरों को गुणा करोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसके पीछे कितने जीरो लगे होंगे, 249 जीरो लगे होंगे। समझ में आ रहा कैसे काम करना है, ठीक है। कल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके बच्चे, जो अगर पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप पहले वाला लेक्चर देखें, लेक्चर वन, ये लेक्चर टू है बेटा इस टॉपिक का, ठीक है ना। तो पहले वाला लेक्चर देखोगे उसमें हमने पूरा बेसिक डिस्कस किया था, उसके आगे हम सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, ठीक है। ये बात तो ये आप लोग नोट कर लेना, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अपन कोई ऐसी तरह कोई रैंडम क्वेश्चन उठा ले बच्चे, इसी तरह अगर हम कोई रैंडम क्वेश्चन ले लें, जैसे हमने आपसे बोला यहाँ पर मान के चलो कि हमने कहा आप हमें फैक्टोरियल 3400 के अंदर शून्यों की संख्या बताओ, क्या बताओ बच्चे, 3400 के अंदर क्या बताओ, शून्यों की संख्या। तो हम शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या निकालेंगे बच्चे, अपन शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या निकाला जाएगा अपने पास में, अपन पाँच की संख्या निकालेंगे कि पाँच कितने आएगा। पहले 34 फैक्टोरियल का मतलब समझ लेते, क्या होता है इसका मतलब होता है 3400 × 3399 आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3399 आ जाएगा अपने पास में, ठीक। और फिर कितना आ जाएगा अपने पास में, 3398 आ जाएगा, इंटू करते करते संख्या कहाँ तक जाएगी बच्चे हमारे पास में, एक तक जाएगी।
कहाँ तक जाएगी संख्या हमारे पास में, एक तक जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, मतलब सवाल में क्या पूछना चाह रहा है कि जब आप इस पूरी संख्या का गुणा करोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसके पीछे कितने जीरो लगे हैं ये आपको बताना है। तो अपन क्या देखेंगे, पांच देखेंगे। तो पांच किस तरह देखा जाएगा, यहाँ पर देखो, तो पांच किस तरह देखेंगे, ये कितना है 3400, यहाँ क्या लिखेंगे हम, शेष फल या क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। शेष फल या क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर लिखा जाएगा। और क्या चेक करेंगे, पांच, तो पांच से करोगे पांच और 30 और ये कितना हो जाएगा 40, तो पांच हटे 40 और ये जीरो, तो शेष फल भी कितना आ जाएगा, जीरो। फिर पांच से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बच्चे पांच एकम पांच, एक 18, पांच तीन 15, तीन 30, पांच छह 30, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। फिर पांच से भाग लगा लो, कितनी बार भाग जाएगा, पांच से पांच दुनी 10, तीन 36, पांच 37, शेष फल कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। शेष फल कितना आ जाएगा, एक। फिर पांच से भाग लगा लेंगे तो कितना आएगा बच्चे हमारे पास से, पांच पंचाय 25, कितना आ जाएगा, दो। फिर पांच से भाग लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, पांच एकम पांच, शेष फल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो अब इसको क्या करना है, अब इसके बाद पांच से भाग तो जाएगा नहीं बच्चे, तो इसको क्या करना है, हमें जोड़ लेना, ये हमारे किसी काम का होता नहीं है। तो इसको जोड़ते हैं, और कहाँ से जोड़ना पड़ता है बच्चे, एक स्टेप नीचे से जोड़ना पड़ता है, ठीक है, कहाँ से जोड़ना पड़ता है, एक स्टेप नीचे से। तो जोड़ो जरा कितना आएगा बच्चे हमारे पास में, 13, 18 और एक 19 का 9 और 9 और ये 12, 15, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 का 4, एक आ गया 6, 7 और एक कितना आ गया 8, तो ये कितना है बच्चे हमारे पास में 849 आ गया, कितना आ गया 849। इसका मतलब इसके अंदर 5 की पावर कितनी मिलेगी हमको, 849, मतलब इस पूरे गुणनफल के अंदर 5 की संख्या कितनी मिलेगी, 849, और जितने 5 होंगे उतने ही क्या बनेंगे, 2 और 5 के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के क्या, जोड़े भी कितने बनेंगे, 849 बनेंगे, या पेयर भी कितने बनेंगे, 849, और जितने बढ़ेंगे उतने ही क्या मिलेगी, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या भी कितनी मिलेगी हमको, 849 मिलेगी। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये हुआ कि जब इस पूरे का आप गुणा कर लेते हो तो एक जो बहुत बड़ी संख्या बनेगी उसके अंत में कितने जीरो आने वाले हैं, 849 जीरो आने वाले हैं। बात समझा पा रहे हैं आपको बच्चे, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी सीरीज में अपन, तो इसी सीरीज में एक और एग्जांपल लेके काम करते बच्चे अपन। जैसे अगर हमने आपसे कहा, मान के चलो हमने आपसे कहा कि आप फैक्टोरियल 100 में बताओ, फैक्टोरियल किसमें बताओ बच्चे, फैक्टोरियल 100 में बताओ कि शून्य की संख्या कितनी आएगी, ठीक है, किसमें बताना है आपको, फैक्टोरियल 100 में बताना है शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो कैसे बताओगे बच्चे आप, इसमें क्या देखेंगे अपन, पांच देखेंगे, ठीक है। तो पांच कैसे देखना है बच्चे, यहाँ देखो अपन को कैसे काम करना है कि पहले फैक्टोरियल 100 का मतलब देख लो कितना होता है, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब कितना होता है, 100 इंटू कितना होता है बच्चे 99 इंटू कितना होता है 98, करते करते कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये एक तक जाएगा, करते करते कहाँ तक जाएगा, ये एक तक जाएगा हमारे पास में। तो मतलब जब आप इसको गुणा करोगे तो एक काफ़ी बड़ी संख्या आएगी, उसके अंत में कितने जीरो हैं ये आपको बताना है। तो वो कैसे बताओगे बच्चे आप, इसमें पांच की संख्या देखोगे तो कैसे देखेंगे पांच की संख्या, ये मेथड पढ़ चुके बच्चे अपन, तो ये कितना आएगा 100, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे शेष पर, यहाँ क्या लिखा जाएगा शेष पल, तो यहाँ किससे करेंगे पांच से, तो कितना आ जाएगा पांच दुनी 10 और ये जीरो, यहाँ शेष पल जीरो आ जाएगा। पांच से भाग दोगे तो कितना जाएगा पांच और 4 20, शेष पल जीरो। अब पांच से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहीं रुक जाना है अपन को, ठीक है। और कहाँ से जोड़ देना है, एक कदम नीचे से जोड़ देना, तो ये कितना आ जाएगा 20 और 4 14, कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इस पूरे गुणनफल के अंदर हमें पांच की संख्या कितनी मिलने वाली है बच्चे, 24, मतलब पांच की घात कितनी आएगी 24, और जितने पांच की पावर होगी उतने ही क्या बनेंगे, दो और पांच के जोड़े बनेंगे। तो दो और पांच के जोड़े भी यहाँ कितने आने वाले बच्चे, तो यहाँ दो और पांच के जोड़े भी कितने आएंगे 24 आएंगे, कितने आएंगे दो और पांच के जोड़े भी कितने बनेंगे 24। तो जितने दो और पांच के जोड़े या पेयर बनेंगे उतने ही क्या बनेगी, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी मेरे पास में 24 आ जाएगी, शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी मेरे पास में 24 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक से लेकर 100 तक गुणा कर लोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी, उस संख्या के पीछे कितने जीरो लगे होंगे बेटा 24 जीरो लगे होंगे। समझ पा रहे बात ये अपन, क्लियर हो रही है इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास था जिसमें हमने आपको कल पूरा मेथड बताया था, पूरी तरह बताया था कि बच्चे कैसे जीरो बनता है, फिर उसमें दो और पांच से जब जीरो बनता है तो हम दो क्यों नहीं देखते हैं, पांच क्यों देखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ये आपको, ठीक। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए तो वीडियो रोक के आप नोट कर लेना। अब चलो इसी सीरीज में हम, अभी हमने आपको जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे वो कैसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें लेवल अप कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप समझिए उसको ध्यान से कैसे काम करना है उन पर अपन को। जैसे मान के चलिए अगर हमने आपसे कहा बच्चे मान के चलो हमने आपको एक सवाल दिया, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया इस तरह से कि हमने कहा आपसे यहाँ पर अपन ले लेते, चलो यहाँ से ले लेते अपन 51 × 52 × 53 करते करते इसको ले जाओ 100 तक। हमने ये क्वेश्चन दिया और हमने कहा
इस गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्या दिया हमने सवाल, क्या दिया 51 × 52 × 53 करते करते कहां तक, 100 तक। और हमने कहा कि इस गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो, मतलब क्या हुआ सवाल का, सवाल का मतलब यह हुआ कि जब आप इन सबको गुणा करोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसके अंत में कितने जीरो लगे होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपन ने भी मेथड सीखा है, सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है बच्चे वो हमारे पास में, कि अपन क्या गिन लेंगे, 5 गिन लेंगे। लेकिन एक बात समझो, कल हमने आपको बताया था कि जो हम मेथड बता रहे हैं आपको वो कौन सा मेथड बता रहे हैं बच्चे, हम फैक्टोरियल में बता रहे हैं कि वो मेथड कहाँ अप्लाई होता है, फैक्टोरियल में अप्लाई होता है। तो क्या ये बेटा फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या, अभी ये फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है बच्चे। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में पहले अपन इसको क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल बना लेंगे। क्या बना लेंगे इसको अपन पहले, फैक्टोरियल मतलब हम क्या करें, इसके आगे गुणा करा दें। क्या गुणा करा दें बच्चे, इसके आगे हम 1 × 2 × 3 करते करते कहां तक गुणा करा दें बच्चे, 50 तक गुणा करा दें। कहां तक गुणा करा दें, 50 तक। और अगर गुणा कराएंगे तो हमें भाग भी करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। तो यहां ऊपर नीचे हमने क्या करा, 1 × 2 × 3 × लेते लेते कहां तक कर लिया, 50 तक गुणा, 50 तक भाग कर लिया। ठीक है, और इसके आगे ये लिखा ही हुआ है, तो इंटू कितना आ जाएगा, 51 × 52 × 53 करते करते कहां तक बच्चे, ये 100 तक। बात समझ में आ रही है हमने ऐसा क्यों करा, हमने क्या करा, 1 से लेकर 50 तक ऊपर भी गुणा करा लिया और नीचे भाग कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो आप गुणा कराओगे वही आपको भाग करना पड़ेगा, जब ये पूरा कट जाएगा तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अब जो ऊपर बन रहा है, अब जो ऊपर बन रहा है, ये ऊपर कितना बन रहा है बच्चे हमारे पास में, देखो ध्यान से कितना बन रहा है बच्चे, ये फैक्टोरियल 100 बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चे ये हमारे पास में, फैक्टोरियल 100। और नीचे कितना बन रहा है बच्चे हमारे पास में, नीचे कितना बन रहा है ये हमारे पास में, फैक्टोरियल 50 बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चे, फैक्टोरियल 50 बन रहा है। अब इसमें हम 5 की संख्या देख के काम चला सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में तो चेक कर ही सकते बच्चे अपन। तो दोनों में अपन 5 की संख्या देखेंगे, तो यहां देखो पहले अपन देख लेते हैं फैक्टोरियल 100 में। तो फैक्टोरियल 100 में अगर हम 5 की संख्या देखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, शेषफल। तो यहां शेषफल लिखोगे तो यहां 5 से भाग लगाओगे आप, तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 = 0। शेषफल कितना आ जाएगा, 0। 5 से भाग लगाओगे कितना, 5 × 4 = 20। कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर अब ये भाग नहीं जाएगा 5 से, तो क्या करेंगे बच्चे अपन इसको जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 4 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 20 और 4 कितना आ जाएगा बेटा, 24। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये 24 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसमें फैक्टोरियल 100 में 5 की घात कितनी मिलने वाली है बच्चे अपन को, 24 मिलने वाली है। 5 की घात कितनी मिलने वाली है, 24 मिलने वाली है। अब अपन किसमें देख लेंगे, फैक्टोरियल 50 में। तो जब फैक्टोरियल 50 में अपन देखेंगे तो फैक्टोरियल 50 में किस तरह देखा जाएगा बेटा, ये 50 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 × 5 = 0। यहाँ शेषफल कितना आएगा, 0। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 = 0। फिर 5 से भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहीं रुक जाना है और एक कदम नीचे से क्या करना है अपन को, जोड़ लेना है। तो जब जोड़ोगे तो ये 10 और 2 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसका मतलब फैक्टोरियल 50 में 5 की पावर कितनी मिलने वाली है, फैक्टोरियल 50 में 5 की पावर कितनी मिलने वाली है, 12। 5 की पावर कितनी मिलेगी बच्चे, यहाँ पर 12 मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अभी ये आपको पता है कि बटे में पावर ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस। तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 24, माइनस का कितना हो जाएगा, 12। पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 24 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 12 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो हमने आपको प्रश्न दिया था, ये जो प्रश्न दिया था बच्चे, इसके अंदर 5 की घात कितनी मिलने वाली है हमें, 12। मतलब 5 की घात कितनी मिलेगी, 12। और जितनी 5 मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे, 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे, तो 12 ही क्या आएंगे बच्चे, 2 और 5 के क्या आएंगे, जोड़े या क्या आएंगे, पेयर। तो पेयर कितने आएंगे, 12। और जितने जोड़े आएंगे उतने ही कितनी आएगी, शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो शून्यों की संख्या भी कितने आने वाली है बच्चे हमारे पास में, 12 आने वाली है। बात समझ में आ रही है, शून्य की संख्या भी कितनी आएगी, 12। मतलब जब हम यहाँ पर इसको गुणा, ये मेन क्वेश्चन था बच्चे हमारा, ठीक है ना, जब इसको गुणा कराएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसके अंत में कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सबको हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी उठा सकते हो, हरी बात समझ, वो अपने आप तरीके आपको समझ में आने लग जाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको पूरा बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह अपन को काम करना है, आगे बढ़ना है प्रोसेस के थ्रू। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे अपन, क्लियर है बात। हमारा जो मेन क्वेश्चन था बच्चे, ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास फैक्टोरियल में था नहीं, और हमने जो मेथड पढ़ाया वो किसमें पढ़ाया आपको, फैक्टोरियल में पढ़ाया है। तो पहले हमने इसमें गुणा करके इसको किसमें बदल लिया, फैक्टोरियल में। लेकिन आप किसी भी चीज में खाली गुणा नहीं कर सकते, जितने का गुणा करा उतने का ही क्या करो, भाग करो। तो उतना ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऊपर बन गया फैक्टोरियल 100, नीचे कितना बन गया, फैक्टोरियल 50। फिर अलग अलग 5 की संख्या देख के फिर अपन ने आगे काम चला लिया उससे। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है बात। अब थोड़ा लेवल उठा लें क्वेश्चन का अपन, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं इसके बाद से अपन, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग, वीडियो रोक के बच्चे हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर।
और जो बच्चे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो आप लोग कल वाला लेक्चर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या पढ़ा रहे, क्योंकि बेसिक की क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं कल आपको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपको एक सवाल दें, हमने आपको एक सवाल दिया बच्चे, हमने आपको एक सवाल दिया यहाँ पर कि 1 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24 करते करते 24 की पावर 24, हमने ये सवाल दिया और हमने कहा इस गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन दिया हमने? 1 की पावर 24, 2 की पावर 24, 3 की पावर 24 करते करते 24 की पावर 24, और इस गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो कैसे काम करेंगे यहाँ समझो बच्चे अपन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ से अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ बच्चे? 1 × 2 × 3 इंटू करते करते बच्चे कहाँ तक गुणा कर लो? 24 तक। ठीक है, इस पूरे की पावर मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चे? 24 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता? नहीं लिखा जा सकता। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि सब पे कैसी है? समान पावर है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अगर पावर अलग अलग होती, यहाँ 1, 3, 5 ऐसी कुछ अलग अलग पावर होती तो फिर अपन ऐसे नहीं लिख पाते उसको। पावर सब पे कैसी है? सेम है, 24 24 24 24, इसलिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? फिल्टर करके इस तरह लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो अंदर क्या बन रहा है बच्चे, ये आपका फैक्टोरियल 24 बन रहा है। ध्यान से देखो अंदर क्या बन रहा है बच्चे, फैक्टोरियल क्या बन रहा है? 24। तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 24 की पावर या फैक्टोरियल 24 की घात कितना? 24। ठीक है, और अगर हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो देखना है तो किसकी संख्या देखनी होगी? 5 की संख्या। तो इसमें 5 की संख्या देखी जा सकती है। तो कैसे देखेंगे इसमें 5 की संख्या बच्चे? अपन यहाँ पर 24 में ये मेथड लगा लेंगे जो अपन ने सीखा था, और यहाँ क्या लिखते हैं इसमें? शेषफल। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, शेषफल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 4 = 20, और शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे कितने आ जाएगा? 5 × 20, शेषफल कितना आ जाएगा? 4। फिर 5 से भाग लगाओ, भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जहां तक भाग नहीं जा रहा है तो उधर पे क्या करना है? रुक जाना है और एक कदम नीचे से जोड़ लेना है। इसका मतलब ये ही हमारे जोड़ में आएगा, सिर्फ कितना आएगा? 4 है। कितना आएगा? 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इस 24 फैक्टोरियल के अंदर 5 की घात कितनी मिलने वाली है? 4 मिलने वाली है। मतलब फैक्टोरियल 24 के अंदर 5 की घात कितनी मिलेगी? 4। और इस पूरे की घात कितनी है? 24 है। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब ये 24 और 4 का क्या हो जाएगा? गुणा। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 5 की घात कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका मतलब 5 की घात 96 आने का मतलब क्या है? जितनी 5 की पावर मिलेंगी उतने ही 2 और 5 के क्या मिलेंगे? जोड़े मिलेंगे। तो 2 और 5 के जोड़े भी कितने मिलेंगे बच्चे अपन को? 96। और जितने जोड़े मिलेंगे उतने ही क्या मिलेगी? शून्यों की संख्या मिलेगी। तो शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी बेटा? 96 आएगी। तो शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आएगा बेटा हमारे पास? भी 96 आएगा। अरे बात समझ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन सब का पूरे का गुणा करा लोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आने वाली है, उसके अंत में यहाँ 0 0 करके ऐसे 0 लगे होंगे। वो कितने 0 लगे होंगे टोटल बच्चे हमारे पास में? 96 0 लगे होंगे। उन शून्य की संख्या कितनी आने वाली है? 96 आने वाली है। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे ये बात आप लोग? क्लियर हो रहा है कैसे काम करना है? समझ पा रहे ये स्टेप कि कैसे अपन ने इसकी पूरे की पावर लेके 24 ले लिया है, फिर फैक्टोरियल 24 लिख के उसके यहाँ पर देख लिया कि उसके में 5 कितने आएंगे, ठीक है, और फिर उसकी पावर का इंटू करा के देख लिया 5 फाइनल कितने मिल रहे हैं? 96। तो 96 क्या बनेंगे? 2 और 5 के जोड़े, और 96 क्या आएंगे? शून्य की संख्या आएगी। समझ पा रहे अपन ये? चलो ठीक है ना, इसको वीडियो रोक रोक के आप लोग नोट कर सकते हो, इसलिए हम क्लास रेगुलर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, यूट्यूब में आपके पास सुविधा है कि आप बीच में यूट्यूब रोक लेना वीडियो, ये नोट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ा के देख लेना वीडियो। समझ में आ रही बात है आपको? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज के अंदर। तो जैसे अगर अगला क्वेश्चन हम डिफरेंट पावर के साथ ले लें बच्चे, यहाँ पर मान के चलो अगर अगला क्वेश्चन हम डिफरेंट पावर के साथ ले लेते हैं, जैसे अगर हम अगला क्वेश्चन आपसे बोलें कि हमने आपको क्वेश्चन दिया 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 4 की पावर 4 × 5 की पावर 5 × करते करते कितना बच्चे? 24 की पावर 24। ठीक, इंटू कितना? 24 की पावर कितना 24। ठीक, अब हमने कहा यह प्रश्न है, इसमें आपको यह बताना है कि इस गुणनफल के अंत में कितने शून्यों की संख्या आएगी।
देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर कहां पर है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर यहां पर है कि वहां पर पावर सभी पे कैसी थी सेम, यहां पर पावर या घात कैसी है सब पे अलग अलग है। तो अब इसको अपन एक साथ नहीं लिख सकते, क्या नहीं कर सकते, इसको अपन एक साथ नहीं लिख सकते। तो कैसे काम करना होगा बच्चे हमें यहां पर, अब देखो हमने जो फैक्टोरियल वाले मेथड आपको बताए हैं तो जनरली क्वेश्चंस जो व्यापम परीक्षाओं में आप पूछे जाते हैं तो या रेलवे में पूछे जाएंगे तो फैक्टोरियल वाले मेथड से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, ये फैक्टोरियल में काम नहीं कर पाएगा अपना। तो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन फंस जाए अगर आपका, तो उससे बाहर निकलने का तरीका क्या होता है कि देखो हमने आपको बताया था कि जीरो किससे बनता है बच्चे हमारे पास में, दो और पांच से बनता है, दो और पांच के जोड़े से, और उसमें भी हम सिर्फ क्या देखते हैं पांच देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि दो तो ज्यादा मिलेगा, पांच कम, पांच कम मिलते हैं इसके पांच के अनुसार जोड़े मिलते हैं, तो हमें क्या देखना है सिर्फ पांच देखना है बच्चे, क्या देखना है पांच। तो जहां पर हम फैक्टोरियल वाला मेथड नहीं लगा पाए वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके पांच की संख्या देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी बच्चे आपको, एक एक करके पांच की संख्या देखनी पड़ेगी। जैसे इसमें मैं बात करूं, अगर हम आपसे पूछे यहां पर पांच कहां कहां मिलेगा, तो कहां मिलेगा पांच पे, फिर किस पे मिलेगा दस पे, फिर पंद्रह पे, इस तरह मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो यहां पर जब पांच को अगर हम देखें तो पांच हमें इसमें कहां कहां मिलेगा, पांच कहां कहां मिलेगा, पांच की पावर पांच पे, फिर अगला पांच कहां मिलेगा दस की पावर दस पे, फिर अगला पांच कहां मिलेगा हमें पंद्रह पे, तो पंद्रह की पावर कितनी बैठी होगी पंद्रह, और फिर मिलेगा बीस पे, तो बीस की पावर वहां कितनी बैठी होगी बीस, फिर अगला किस पे आएगा पच्चीस पे, लेकिन ये सीरीज कहां खत्म हो रही है चौबीस पे, तो यहां पर कहां पर रुक जाएंगे बीस पे रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है ये पांच दस पंद्रह बीस हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या देखना है इसमें पांच की संख्या देखनी है। अब यहां फैक्टोरियल वाला मेथड लगा नहीं सकते, तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि पांच हमें कहां कहां मिलेगा, तो पांच कहां कहां मिलेगा पांच पे मिलेगा, फिर दस पे मिलेगा, फिर पंद्रह पे मिलेगा, फिर बीस पे मिलेगा, लेकिन वहां पावर कैसी रहेगी सब पे अलग अलग रहेंगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं बच्चे तो ये तो पांच की पावर कितना रहने वाला है पांच ही रहने वाला है, दस को अगर मैं लिखूं तो दस को मैं दो इंटू पांच की पावर क्या लिख सकता हूं दस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता बच्चे, ये लिखा जा सकता है। और पंद्रह को क्या लिख सकता हूं तीन इंटू पांच की पावर कितना लिख सकते हैं अपन दस लिख सकते हैं। इस तरह बीस को क्या लिख सकते हैं चार इंटू पांच की पावर कितना लिख सकते हैं, यहां पर दस नहीं पंद्रह आएगा ठीक है, और यहां पर पावर कितनी आएगी बच्चे बीस आएगी। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, दस को दो इंटू पांच लिख दिया, पंद्रह को तीन इंटू पांच, बीस को क्या लिख दिया चार इंटू पांच। अब इसको मैं और आगे लिखूं तो बच्चे इसको पांच की पावर पांच ही लिखा रहने दो। अब देखो ये पावर है तो ये पावर इस पे भी लगाई जा सकती है इस पे भी, तो इसको मैं आगे और क्या लिख सकता हूं दो की पावर दस इंटू पांच की पावर कितना दस। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे बताओ जरा, तीन की पावर पंद्रह इंटू कितना आ जाएगा पांच की पावर कितना आ जाएगा पंद्रह। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूं बीस इस पे भी आएगी बीस पावर इस पे भी, तो चार की पावर बीस इंटू पांच की पावर कितनी आ जाएगी बीस। मैं इस तरह लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, तो अब अपन यहां पर पांच जोड़ लेते हैं ठीक है ना, कि पांच कितने मिलेंगे। तो यहां आप लिख लेते हैं अपन क्या नंबर ऑफ फाइव, नंबर ऑफ हम क्या देख रहे हैं बेटा पांच की संख्या देख रहे हैं कि पांच की संख्या हमें कितनी मिलने वाली है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां देखो यहां पर हमें पांच कितने मिलने वाले बच्चे, इसमें पांच कितने हैं पांच है, तो इसमें पांच कितने मिलेंगे हमको पांच मिलेंगे, यहां पर पांच कितने मिलेंगे पांच। यहां पर देखो पांच की संख्या कितनी मिलेगी इस वाले में, पांच की संख्या कितनी मिलेगी दस, तो यहां पर कितने मिलेंगे दस मिलेंगे, तो यहां पर कितने मिलेंगे दस। इसमें देखो पांच की संख्या कितनी मिलेगी, पांच की संख्या कितनी मिलेगी पंद्रह, तो यहां पर कितने पांच मिलने वाले हैं पंद्रह मिलने वाले हैं। यहां पर अगर हम बात करें बच्चे तो यहां पर पांच कितने मिलने वाले हैं बच्चे बीस मिलने वाले, तो यहां पर पांच कितने मिलने वाले हमें बीस मिलने वाले, तो यहां पर पांच कितने मिलेंगे बच्चे हमें बीस मिलेंगे ठीक है। अब इन सभी पांच को अपन जोड़ लेते हैं, तो इन सभी पांच को अपन जोड़ लें क्योंकि टोटल अपन को नंबर ऑफ फाइव चाहिए ना कितने मिलेंगे, तो कितने आ जाएगा पांच दस पंद्रह तीस और बीस कितना आ जाएगा पचास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा ये जोड़ने पे, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में पचास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में इस पूरे के अंदर पांच की संख्या कितनी मिलने वाली है पचास मिलने वाली है, तो पांच की संख्या टोटल कितनी मिलेगी पचास, और जितने पांच मिलेंगे उतने ही क्या मिलेगी शून्यों की संख्या, तो हमारे पास में सॉरी जितने पांच मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे दो और पांच के जोड़े और उतने ही क्या मिलेगी शून्यों की संख्या मिलेगी। तो पांच कितने मिलेंगे पचास, तो हमारे पास में यहां से दो और पांच के जोड़े भी कितने आ जाएंगे पचास, और जितने दो और पांच के जोड़े मिलेंगे उतने ही क्या मिलेगी शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास में पचास आ जाएगी, तो शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में पचास आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको कैसे काम करना है, समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं। ये कल वाली क्लास में हमने आपको फैक्टोरियल का मेथड समझाया था ठीक है, आज भी हमने फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन कराए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां फैक्टोरियल के मेथड के अलावा ही अपना सेल्फ दिमाग लगा के काम करना होता है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे इस तरह पांच काउंट कर लिया करेंगे अलग अलग देख के। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है बात ठीक है। तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना बच्चे इस वाले पार्ट को ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो इसको समझने में, तो थोड़ा आराम आराम से अगर एक दो बार आप पीछे ले जाकर वीडियो देखोगे तो ये चीज पूरी तरह क्लियर हो जाएगी।
कि जहाँ पर फैक्टोरियल काम नहीं करे वो मेथड फेल हो जाए, तो वहाँ पर अपन को कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन इस तरह की जाती है। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमने इस डिफरेंट लेवल पर करा दिया आपको। चलो अब थोड़ा अपन इसमें और चेंज करते हैं क्वेश्चन वाले पैटर्न में। अपन यहाँ पर देखो थोड़ा सा और चेंज लेके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में। चलो यहाँ देखो, ये देखेंगे अपन क्वेश्चंस। तो ये भी हमने आपको बता दिए। जैसे अगर हमने मान लिया एक सवाल दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, हमने आपसे कहा एक इंटू तीन इंटू पाँच इंटू सात इंटू नौ इंटू ग्यारह करते करते 99। क्या लिखा हमने? एक इंटू तीन इंटू पाँच इंटू सात इंटू नौ इंटू ग्यारह करते करते कहाँ तक लिखा बेटा? 99 तक। हमने कहा बताओ इस गुणनफल के अंत में कितने शून्यों की संख्या आएगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर पाँच की संख्या देख लो तो अपन काम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, बताओ थोड़ा मैं ध्यान से देखिए, ये सीरीज काई की सीरीज है, क्या ये फैक्टोरियल है? नहीं है, तो फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ी देर अगर हम रुक के देखें बेटा, तो ये पूरी हमारी क्या है बच्चे, ये हमारी पूरी ऑड सीरीज है। ये पूरी क्या है? ऑड सीरीज। देखो इसमें पांच तो मिलेगा तुमको, लेकिन क्या दो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज काई की सीरीज है बेटा, ऑड सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये? ऑड सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये? ऑड सीरीज है, फिर विषम संख्याओं वाली सीरीज है आपकी। ठीक है ना, अरे नहीं यारी बात समझ, कौन सी सीरीज है? ऑड सीरीज, मतलब यहां पर कोई दो जैसी चीज आएगी ही नहीं। अगर दो नहीं आएगा इसमें, देखो पांच तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? दो नहीं मिलेगा। और जब दो नहीं मिलेगा बच्चे, तो आपको दो और पांच के क्या जोड़े मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसमें आपको दो मिलेगा नहीं, तो क्या दो और पांच का जोड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब दो और पांच का जोड़ा नहीं मिलेगा, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? जीरो आएगी। शून्य की संख्या कितनी आएगी बेटा? इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। मतलब इस गुणन फल के अंत में कोई भी शून्य नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हमने कल आपको ये समझाया था बच्चे कि जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक दो और पांच का जोड़ा बनाना पड़ता है। जब जब दो और पांच का जोड़ा बनाते हो, तब तब ये क्या आता है? जीरो आता है। लेकिन अभी तक हम सिर्फ क्या देखते चल रहे थे बच्चे? पांच। क्यों देखते चल रहे थे? ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हर बार जोड़ा बनाना किस पे निर्भर करता था? पांच पे। क्योंकि पांच कम मिलता था, दो हमेशा ज्यादा ही मिलता था, तो इसलिए पांच देख के काम चला लेते थे। लेकिन सिर्फ पांच से थोड़ी जीरो बनता है। जीरो तो तभी बनेगा जब दो और पांच का जोड़ा या पेयर बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस सीरीज में पांच तो बहुत मिल जाएंगे अपन को। समझ में आ रहा है? पांच मिल जाएगा, पंद्रह मिल जाएगा, पच्चीस मिल जाएगा, पांच तो बहुत मिलेंगे। लेकिन कोई भी क्या नहीं मिलेगा? दो नहीं मिलेगा। तो अगर दो नहीं मिलेगा, तो दो और पांच का क्या नहीं बनेगा? जोड़ा नहीं बनेगा। और जोड़ा नहीं बनेगा तो शून्य की संख्या कैसी आएगी? जीरो आएगी। बात समझ में आ रहा? मतलब इस सवाल के गुणनफल के अंत में कोई भी शून्य की संख्या नहीं मिलने वाली अपन को। तो बात समझ में आई नहीं आई कि क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं? क्यों? ऐसा मत माइंड में बिठा लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस थ्योरी को अपनी माइंड में बिठा लेते हैं कि सिर्फ पांच देखना है। बेटा पांच क्यों देखना है? इसका लॉजिक पता होना चाहिए आपको। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पांच ही देखना है। जोड़ा बनाने के लिए दो और पांच दोनों देखना होता है। इन जनरल केस 99% केस में हम पांच देख के काम चला लेते हैं, लेकिन 1% केस एक ऐसा बन सकता है जहां पर दो को देखने की भी आवश्यकता पड़ेगी अपन को। बात समझ में आ रही है कि कैसे पूरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? जिन बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही हो, आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ये देखो दूसरा लेक्चर चल रहा है, पहले कल वाला लेक्चर देखिए आप, लेक्चर वन, फिर आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जीरो बनाने के लिए दो और पांच के जोड़े की जरूरत होती है। पांच से काम चल जाता है 99% केस में। 1% केस ऐसा आ सकता है जहां दो को भी देखना पड़ सकता है अपन को। वो आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं इसी सीरीज में, अगर और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हम थोड़े और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको ताकि ये बात क्लियर हो पाए आपको। जैसे ये हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ले लेते हैं अपन। जैसे अगर बात करें इसमें बच्चे अपन, चलो जैसे एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए अपन। एक ये क्वेश्चन दिया है 5 × 10 इंटू 15 इंटू करते करते 75 तक। इंटू करते करते कहाँ तक दिया? 75 तक ये सवाल दिया है। ठीक है, जिन बच्चों के पास व्यापम की हमारी वाली किताब है मैथ्स की, वो देख सकते हैं ये सवाल वहाँ पर, और बाकी ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सवाल को। तो देखो ये सवाल दिया है, और इस सवाल में ये बोला है कि आपको शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है बच्चे? शून्यों की संख्या बतानी है। तो दो मिनट का टाइम लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ा इसको। देखो 30 सेकंड में अपन बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे सवाल को, फिर हम इसको सॉल्व कराएं। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग सामने देखो जरा,
अब यहाँ पर देखो बच्चे, हमने आपको बताया था कि पांच गिनना है बच्चे, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओ एक चीज कि सब में पांच क्या है बेटा, कॉमन है, यहाँ पर सब में क्या है, पांच कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पांच कॉमन निकाल ले बच्चे, तो यहाँ से कितना कॉमन निकाल लेंगे, पांच। तो क्या पांच कॉमन निकलेगा बच्चे यहाँ से? अच्छा चलो एक बात हमें बताओ, यहाँ पर अपन समझते हैं आपसे। यहाँ देखो, अगर हमने लिखा है बच्चे यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा है, मतलब मान लो यहाँ लिखा है 10 + 20 + 30 + 40 + 50, ठीक है, और एक हमने लिखा है 10 × 20 × 30 × 40 × 50, ठीक। तो अगर प्लस वाला साइन है तो यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा कॉमन लेने पे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनटू की बात करें तो इनटू में इस तरह कॉमन नहीं ले सकते, ये कॉमन लेने का मेथड प्लस वाले पार्ट में ठीक है। इनटू वाले पार्ट में क्या दिक्कत है बच्चे, कि अपन को हर में से एक एक 10 कॉमन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये 10 को अगर मैं 10 लिखा रहने दूं बच्चे, अगर इस 20 को मैं लिखूं तो 20 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 10 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस 30 को लिखना चाहूं तो 30 को क्या लिखूंगा, 3 × 10 लिख सकता हूं। इसी तरह मैं 40 को क्या लिखूंगा बच्चे, 4 × 10 लिखूंगा। इसी तरह मैं 50 को क्या लिखूंगा बच्चे, यहां पर 5 × 10 लिखूंगा। अरे बात समझ, तो जब इनटू में कॉमन लिया जाता है बेटा, जब गुणे में कॉमन लेते हैं तो एक कॉमन लेने से बात नहीं बनती है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 10 यहां से भी लेना पड़ेगा, 1 10 यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आएगा और यहां से भी कॉमन आएगा। तो जितनी संख्याएं होंगी उतने ही 10 कॉमन आएंगे, तो मतलब यहां से जब 10 कॉमन लोगे आप तो यहां 10^5 कॉमन आएगा, मतलब 1 10 यहां से कॉमन, 1 10 यहां से कॉमन, 1 10 यहां से कॉमन, 1 10 यहां से कॉमन और 1 10 यहां से कॉमन। और अब अंदर कितना बचेगा बच्चा हमारे पास में, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कि इनटू में कॉमन लेने का तरीका क्या होता है? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जब आप गुणे में कॉमन निकालते हो तो जितनी संख्या है ना उतनी पावर लगा दिया करो आप। बात समझ में आ रही, जितनी संख्या है उतनी क्या लगा दिया करो पावर। कितनी थी बच्चे, 1 2 3 4 5, तो 10 तो कॉमन निकाला, 10 की पावर कितनी लगा दो, 5 लगा दो। अंदर कितना बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 बचेगा। समझ में आ रहा? तो यहां पर देखो, यहां पर कॉमन किस में से निकलने वाला है बच्चे, बताओ जरा, इनटू में से निकलने वाला है कॉमन। तो जब यहां से 5 कॉमन निकालोगे, तो यहां से जब 5 कॉमन निकालोगे तो यहां कितनी बच्चा टर्म्स है हमारे पास में, ये बताओ पहले, कितनी टर्म है यहां पे? तो यहां देखो 5 का देखो, 5 से कितना होता है हमारे पास में, 15 × 5 कितना होता है, 75, मतलब टोटल टर्म कितनी होंगी यहां पर, 15 टर्म होंगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? 15 × 5 क्या होता है, 75 होता है। तो यहां से 5 की पावर कितनी कॉमन निकलेगी, 15 कॉमन निकलेगी, मतलब 1/5 यहां से कॉमन, 1/5 यहां से, 1/5 यहां से, ऐसे करते करते टोटल कितनी टर्म आएंगी बेटा अपने पास में यहां पे, 15 टर्म, मतलब 5 की पावर कितनी कॉमन आएगी, 15 कॉमन आएगी हमारे पास में। और अंदर कितना बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 करते करते कितना बचेगा बच्चे हमारे पास में, ये 15 × 5 = 75, इनटू कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 15, और अंदर कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास में, ये 1 2 3 4 करके ये कितना है बच्चे हमारे पास में, फैक्टोरियल 15 है अंदर, अंदर क्या है, फैक्टोरियल 15 है। तो अब अगर यहां पर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, कि यहां पर 5 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, 15 तो यहीं इकट्ठे हो गए 5, और 5 कुछ इसमें भी होंगे, अब हमें 2 भी देखने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 15 में 2 और 5 दोनों चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 15 में, फैक्टोरियल 15 में अगर मैं 5 चेक करूं, यहां शेषफल रखते हैं रिमाइंडर अपन, तो 5 से कितना आएगा, 5 दिया 15, शेषफल 0, अब भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर कितने 5 आएंगे बेटा, 3 5 आएंगे, कितने 5 आएंगे, 3, तो यहां पर कितने आने वाले हैं, 3, मतलब 5 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी यहां पर, ठीक है। और अगर हम फैक्टोरियल 15 में 2 चेक करना चाहें तो 2 भी चेक कर सकते हैं, कल हम मेथड बता चुके बेटा ये आपको, हम सेम ही मेथड है ये वाला भी। तो यहां पर अगर मैं चेक करूंगा कि 15 फैक्टोरियल में अगर मैं 2 को चेक करूं कितनी बार आएगा, यहां रिमाइंडर शेषफल लिखेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 × 7 = 14, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6, यहां भी शेषफल कितना आ जाएगा, 1, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 × 2 = 2, शेषफल कितना आ जाएगा, 1, यहां पे अब क्या कर लेंगे अपन, जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चे हमारे पास में, यहां से यहां तक जोड़ो जरा कितना आ रहा है, 7 × 3 = 10 और 1 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब यहां पे 2 की पावर कितनी मिलेगी, 11 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 15 के अंदर क्या मिलने वाला है हमें, 2 की पावर तो 11 मिलेगी और 5 की पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। और यहां 5 की पावर बाहर कितना बैठा है, 15 बैठा है,
अगर 15 बैठा है तो 15 और 3 पावर क्या हो जाएगी, इनटू में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 15 और 3 पावर जुड़ के कितना बना लेगी, 18। 5 की पावर 18 इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा, 11। तो ये हमें इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 कितने हैं, 18, और यहाँ 2 कितने हैं, 11। मतलब यहाँ 2 की संख्या कैसी है, कम है, और जिसकी संख्या कम होती है उसके हिसाब से ये क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 5 आपने इस तरह लिख रखे हैं, तो ये 5 5 5 करके इस तरह कितना लिखा हुआ है, 5, और ये 2 2 कैसे हैं इसमें, 2 और 2 कैसे हैं बेटा इसमें, कम है, 2 और 2 यहाँ तक है। तो जोड़े किसके अनुसार बनेंगे यहाँ पर, अपने यहाँ पर अपन जोड़े किसके हिसाब से बनाएंगे, 2 के हिसाब से बनेंगे। तो यहाँ पर जोड़े किसके हिसाब से बनेंगे, 2 के हिसाब से बनेंगे। तो 5 कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, बेकार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये आपका क्या रहेगा, 5 यहाँ पर ज्यादा है, 2 कम है, तो 2 के हिसाब से ही क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो यहाँ कितने जोड़े बनेंगे बच्चे, यहाँ पे 11 जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या आएगी, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 11 आएगी। तो शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी बेटा, 11 आएगी। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि जब इस पूरे का अपन गुणा कर लेंगे तो जो संख्या आएगी उसके अंत में कितने शून्य लगे होंगे बेटा, 11 शून्य लगे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में भी हमने 5 के आधार पर तय नहीं करा, किसके आधार पर तय करा है, 2 के आधार पर तय करा है। समझ में आ रहा है? बेस कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए आपको कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, एक मिनट चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन क्यों लिया है अपन ने, उसका कारण क्या है ये समझो। कि यहाँ पर आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर बार 5 देखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, आपको क्या देखना है, 2 और 5 की संख्या देखनी है, जो कम मिलेगा उसके अनुसार पेयर बनेगा या जोड़ा बनेगा, उसके अनुसार शून्य की संख्या। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर ये शुरू में क्यों नहीं बता रहे हो आप, इसलिए नहीं बता रहे बेटा कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम किस पे बेस्ड आते हैं, जहाँ पर 5 की काउंटिंग देखनी होती है। ठीक है ना, अगर हम शुरू से ये लेके चलेंगे कि आपको 2 और 5 कम ज़्यादा देखना है, तो आप आगे कन्फ्यूज हो जाओगे। हर जगह फैक्टोरियल में कहीं 2 देखोगे, हर जगह फैक्टोरियल में कहीं 5 देखोगे। तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि अपन को क्या देखना है, 5। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो चैप्टर प्रैक्टिस करने के बाद इतना जजमेंट बैठ जाता है कि किस क्वेश्चन में फैक्टोरियल से 5 से डायरेक्ट काम हो जाएगा, या किस क्वेश्चन में हमें 2 को संख्या देखनी पड़ेगी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि अभी हम क्लास करवा रहे हैं अभी कि अभी आप पूरा समझ गए। बात समझ में आ रही? तो पहले हमने प्लेन अपना पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि 2 और 5 के जोड़े से क्या बनेगा, शून्य। हम 5 हमेशा देखा करेंगे क्योंकि 5 कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन अब आगे चल के हमने आज की क्लास में क्या देखा कि 2 भी कम मिल सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप तुरंत पकड़ सकते हो सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक आध दो एग्जांपल और लेते हैं बच्चे हम यहाँ पर, थोड़ा और क्लियर हो पाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ समझो, और बच्चे अगर आप क्लास कर रहे हो ना रेगुलर, देखो ये हमने आपको कल बोला है वो बात पूरी रखी जाएगी कि आपको मैथ्स पूरे डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि डेली सिंसियर होकर बैठना पड़ेगा। ठीक, आपके पास अपने पास नोट्स बनाने के लिए अपना नोट्स बना लो, आपको कहीं कुछ कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपना नोट्स के लिए एक बढ़िया पेन कॉपी लेके बैठो, पूरा नोट्स बनाओ, घर पे रिवाइज करो। हमने आपसे बोला कंटेंट भी हम अवेलेबल करवा देंगे। जो बच्चे अगर CMC के स्टूडेंट्स नहीं हैं इंदौर से, या कोई बाहर से जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप CMC इंदौर के अपने CMC इंदौर, ठीक है, CMC इंदौर के अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को अपने डाउट भेजेंगे, वो आपको डाउट रिटर्न कर देंगे बेटा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल होती रहेंगी, तो वहाँ से आप PDF भी निकाल सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे क्लासेस में पढ़ते हैं। देखो वैसे भी अपना जो लॉकडाउन का समय चल रहा है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला चल रहा है, पढ़ाई में मन इतना लग नहीं रहा है बच्चों का। लेकिन आप एक बात समझो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई दुनिया रुक गई है कि भाई अब आगे कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ समय की परेशानी अपने आप चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इस समय को यूटिलाइज करो, बर्बाद मत करो। हम ये नहीं बोलते कि आप पूरे दिन पढ़ो, लेकिन आप इतना 5-6 घंटे का समय निकाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पर क्लास करोगे तो 2-3 घंटे आपके इसी में निकल जाएंगे। क्लास पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, 2-3 घंटे का समय तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। तो धीरे धीरे अपन पढ़ते रहो, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा आपका, मेंटेन रहेगा, समय खराब क्यों करना है। ठीक है, अपना प्रैक्टिस करते रहो, बाद में जाकर जब एग्जाम कंडक्ट हो तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। कुछ बच्चे बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए, सर अब क्या होगा, अरे दुनिया खत्म थोड़ी हो रही भाई। ठीक है, कोई एक महामारी है, मुसीबत आई हुई है, धीरे धीरे टल जाएगी वो। इससे भी भयंकर भयंकर चीज़ें हो चुकी हैं दुनिया में, ऐसा थोड़ी कि चीज़ें संभली नहीं है। बस अभी आपको इतना करना है कि अपने घर पे रहो, बेकार में घूमो मत, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी उनको फॉलो करो, अपने घर पे ही रहो बच्चे, पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताओ। ठीक, अपन को वैसे भी बाहर पढ़ रहे हैं टाइम नहीं मिलता था घर पे जाने का ज़्यादा, तो अब अच्छी बात है ना, घर पे ही तो है अपन, क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है भाई कि जॉब को लेकर उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन बेटा जब कोई उपाय नहीं किसी चीज़ का, उस बारे में बात करने से भी क्या फ़ायदा होगा।
कोई फायदा नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं अभी, उतना ही कर सकते हैं कि जो बचा हुआ टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, अच्छे से मैक्सिमाइज कर लो। समझ में आ रही बात आपको? ठीक, तो ये करना पड़ेगा अपन को। अगर मन नहीं भी लग रहा तो भी लगाओ, थोड़ा बहुत मन तो लगाना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं बैठ सकते कि अपन खाली बैठ गए कि भाई मन नहीं लग रहा हमारा। ये कौन सा स्टेटमेंट होता है मन नहीं लग रहा हमारा? मन तो लगाना पड़ेगा ना कैसे भी करके, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेकार में अननेसरी इशू मत बनाओ चीज़ों का। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि कंप्लेन करते रहना। कंप्लेन मत करो कि आज तुम्हें ये कंप्लेन है कि भैया लॉकडाउन है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कोचिंग कब से खुलेगी? तो अरे यार कोचिंग खुल जाएगी, तुम्हारे पास जितना कंटेंट सीएमसी में पढ़ाया जाता है, तो आप भी जानते हो जो सीएमसी के स्टूडेंट है, कितना कंटेंट आपके पास होगा कि अभी इस लॉकडाउन में पढ़ोगे तो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इतना सीएमसी में पढ़ा, अगर आपने 2-3 महीने की भी क्लास करी है ना, तो भी ये 2-3 महीने कम पड़ेंगे उनको पढ़ने के लिए। आपको इतना हम सीएमसी में आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, तो उसको आप पढ़ाई करो अच्छे से। या आप कहीं पर भी पढ़े हो बच्चे, तो उधर कंटेंट इतना पढ़ाया होगा कि उसको भी रिवाइज करोगे तो भी काम चलता रहेगा आपका। रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो कुछ एक और क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे ये एक दिया है क्वेश्चन आपका, 3 की पावर 123 -3 की पावर 122 -3 की पावर 121। ठीक है, यह एक सवाल है। इनटू में एक दूसरा ब्रैकेट भी है यहाँ पर, 2 की पावर 121। ठीक है, और क्या दिया है इसमें, 2 की पावर 120 -2 की पावर 119। ये एक सवाल दिया है बच्चे अपन को, ठीक है ना। ये एक सवाल दिया है और इसमें बोल रहा है कि आपको इसमें क्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है बच्चे? शून्यों की संख्या बतानी है। तो यहाँ देखो, अब ये सवाल है, जैसे अगर इस सवाल को अगर अपन देखें तो इस सवाल में तो कोई फैक्टोरियल की मेथड नहीं लग रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप कोई फैक्टोरियल का किसी भी तरह का मेथड नहीं लगा पा रहे हो, तो अब यहाँ क्या करोगे? तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के काम कर लेना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से बोले कि इस वाले ब्रैकेट में से अगर आप देखो इसकी जो पावर है आसपास ही है, 121 122 123 119 120 121। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मैं यहाँ से अधिकतम कितनी पावर या कितनी घात कॉमन ले सकता हूँ, तो कितनी कॉमन ले सकता हूँ? 3 की घात 121। तो जब मैं यहाँ से 3 की घात 121 कॉमन लूंगा बच्चे, तो अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट में आपके पास में? तो 123 में से 121 तो कॉमन मिल गया, तो 3 की पावर कितनी बचेगी? 2 बचेगी। बचेगी नहीं बचेगी, 123 पावर है, 121 अपन ने कॉमन ले ली, तो 121 ले लिया, 123 में से कितनी पावर बची? 2। माइनस का कितना आ जाएगा? ये 3। ये 122 में से 121 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? 3 की घात 1। और माइनस का पूरा अपन ने कॉमन ले लिया है, तो कितना बचेगा? ये 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? ये 1 बचेगा। 3 की पावर 0 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इधर पे अगर यहाँ देखें तो इस वाले ब्रैकेट में हम कितनी पावर कॉमन ले सकते हैं? 121 120 119। तो 119 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अपन 2 की घात कितनी कॉमन ले लेंगे? 119 कॉमन ले लेंगे। तो अब ब्रैकेट में कितना बचेगा बच्चे यहाँ पर? तो यहाँ देखो 121 में से 119 कॉमन ले लिया, तो 2 की घात कितनी बचेगी? 2। ठीक है, 120 में से 119 कॉमन ले लिया, तो 120 में से अगर 119 निकाल लिया तो 2 की घात कितनी बचेगी? 1। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, या 2 की घात 0 भी लिख सकते हो बेटा अगर लिखना चाहो। किसी की भी घात 0 क्या होता है? 1 होता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में? ये 3 की घात कितना आ जाएगा? 121 इंटू ब्रैकेट 3 की घात 2 कितना होगा? 3 की घात 2 कितना होगा? 9। माइनस 3 की घात 1 कितना? 3। माइनस का 1 आ जाएगा। ये 2 की घात कितना आ जाएगा? 119 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चे? 2 की घात 2 कितना होगा? 4। माइनस का 2 की घात 2 1। माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चे यहाँ पर देखो? तो ये आ जाएगा 3 की घात 121 इंटू ब्रैकेट में 9 में से ये 3 और 1 4, 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा? 5 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, इंटू ये कितना है? 2 की घात कितना है? 119 है। इंटू ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा? ये 2 और 1 3 4 में से 3 क्या कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर अब हम इसको फाइनली लिखेंगे बच्चे, अगर अब इसको फाइनली लिखा जाएगा तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको लिखा जा सकता है बच्चे हमारे पास में 5 × 2 की घात 119 इंटू 3 की घात कितना? 121 लिखा जा सकता है। लिख सकते नहीं लिख सकते? अरे इस पूरे को उठा के हमने यहाँ पर इस तरह लिख दिया बच्चे, बात समझ में आ रही है? 5 आगे ले लिया, 2 उसके बाद ले लिया और 3 ले लिया। तो अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चे हमारे पास में यहाँ 5 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ 5 की घात कितनी है? 1। तो 5 की घात 1 है और 2 की घात कितनी है? 119। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, 2 ज्यादा है या 5 ज्यादा है? 2 ज्यादा है बच्चे। 5 की घात कितनी है? 1। तो जिसकी भी पावर कम होगी उसके अनुसार ही क्या बनेगा? जोड़ा। तो यहाँ 5 की घात कितनी है? 1 है। 2 और 5 में से जिसकी घात कम होगी उसके अनुसार ही जोड़ा बनता है या पेयर बनता है।
ठीक है ना। तो पांच की घात एक कितनी है बट्टा, एक है तो एक ही क्या बनेगा, दो और पांच का जोड़ा बनेगा। तो दो और पांच का जोड़ा या पेयर भी कितने बनेंगे, एक बनेंगे। तो एक पेयर बनेगा तो शून्य की संख्या भी कितनी बनेगी, एक बनेगी। तो यहाँ शून्य की संख्या भी कितनी आएगी बच्चे, एक आएगी। बात समझ में आ रहा है, यहाँ शून्य की संख्या कितनी आएगी, एक। दो और पांच वैसे जिसकी घात कम होगी उसके अनुसार जोड़ा बनता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब आप इस पूरे को हल करोगे तो जो भी हल आएगा उसके अंत में कितना जीरो लगा होगा, एक जीरो लगा होगा। बात समझ पा रहे हैं आपको, क्लियर है। इस तरह का सवाल कैसे करना है अपन को, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चे, ठीक है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और देख लेते बच्चे अपन इसी तरह का, तो थोड़ा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना बच्चे, ठीक। एक बार अगर नहीं आया समझ में, थोड़ा पीछे खींच के वीडियो देखना, यूट्यूब में यही फायदा बच्चे आपको कि आप क्या कर सकते हो, अगर नहीं आया समझ में तो थोड़ा पीछे खींच लो वीडियो को, आपको दोबारा देख सकते हो कि हमने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, ठीक। तो चलो इस तरह का एक और क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे इसमें अगर अगला क्वेश्चन करें, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, 8 की घात 123 माइनस 8 की घात 122 माइनस 8 की घात 121, ठीक है। और दिया है यहाँ पर 3 की घात में दे रखा है अपन को, ठीक है। तो 3 की घात 223, 3 की घात 223 माइनस 3 की घात 222 माइनस का 3 की घात 221, ये सवाल दिया है और आपसे बोला है कि शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। क्या बताना है बच्चे अपन को, 322, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है अपन को, शून्यों की क्या बताना है बच्चे संख्या। तो अभी जैसे करा वैसे ही करेंगे, देखो यहाँ पर 8 8 है, यहाँ पर कितना है, 3 3 है। तो यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है हमारे पास में, 123 22 21, तो हम 121 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 8 की घात अगर हम 121 कॉमन निकाले बच्चे, तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास, 123 में से 121 कॉमन निकाला 8 की घात 2, 121 निकाली 122 में से 8 की घात 1, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, ये पूरा निकाल लिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ अगर देखें तो यहाँ कितनी है पावर, 223 222 221, तो 3 की घात कितना कॉमन ले सकते हो यहाँ से, 221 कॉमन ले सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको, तो कितना आ जाएगा, 23 में से 221 निकाला तो 3 की घात कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 की घात कितना आ जाएगा, 1, माइनस का कितना बचेगा ये, 1। कर लेंगे नहीं कर लेंगे यहाँ तक अपन। अब इसके बाद देखो ये कितना बचेगा हमारे पास में, 8 की घात कितना है, 121 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में, 8 हटाइए 64 माइनस का, ये 8 की पावर 1 8 बनाएगा, माइनस का 1 बनाएगा, इंटू बच्चे ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 की घात कितना, 221 इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में, 3 दुनी कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 3 माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, तो ये कितना आएगा बच्चे हमारे पास में, अगर यहाँ देखें तो ये घटा लो बच्चे 64 में से 8 का कितना आ जाएगा, 56, तो ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 की घात 121, यहाँ बच्चे का बच्चे कितना, 55, ये कितना रहेगा, 3 की घात 221, ठीक है। और इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास में, 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ अगर हम देखें तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 की घात कितना, 121 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। इंटू कितना, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 उसकी पावर कितना, 121। 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 5 लिख सकते हैं बच्चे, 55 को हमने क्या लिख दिया, 11 इंटू 5, ये 3 की घात कितना है, 221 इंटू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें बच्चे, तो अब यहाँ 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर हमें यहाँ कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी हमको। तो यहाँ पर अगर हम फाइनल इसको लिखें बच्चे, तो अगर हम फाइनल लिखेंगे तो फाइनल कितना बन जाएगा हमारे पास में, 2 की पावर ये 3 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 363 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की घात कितना आ जाएगा, 363 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में, यहाँ पर ये 5 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 की घात 2 इंटू 3 की घात कितना आ जाएगा, 221 इंटू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चे हमारे पास, और हमें किससे मतलब है, लेकिन यहाँ 2 और 5 से मतलब है। तो अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है, 363, और 5 की पावर कितनी है, 2। तो हमें सिर्फ 2 और 5 देखना है, इस वाले भाग से तो मतलब ही नहीं होता है, वो तो अभी आपको समझा रहे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना है, आगे आप फटाफट करना सीख जाओगे अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ देखो किसकी पावर कम है बेटा, 5 की, तो 5 की पावर कम है, इसी के हिसाब से जोड़े बनेंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे बच्चे, 2 जोड़े बनेंगे, किसके जोड़े बनेंगे, और 2 और 5 के, और 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, 0। तो यहाँ भी कितना आएगा बेटा,
शून्यों की संख्या कितनी आएगी, दो आएगी। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, दो। तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, दो आएगी। मतलब ये हुआ इस बात का कि जब इस पूरे को हल करा जाएगा तो एक काफी बड़ी संख्या मिलेगी, उसके अंत में कितने शून्य लगे होंगे, दो शून्य लगे होंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप कर ले बच्चे, अगर एक आध हमको वीडियो एक्स्ट्रा डालना होगा इससे संबंधित, जहां तक हमारे हिसाब से ठीक है इतना, और हम देख लेंगे अगर और कुछ क्वेश्चन कराने होंगे तो हम आपके इसके एक आध वीडियो और एक्स्ट्रा अपलोड कर देंगे, तो उससे वहां कर लेना। बाकी आपके लेवल के हिसाब से यहां तक काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। बस बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो भी सीएम से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे कि कैसे आपको आगे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ्स के अलावा और भी टॉपिक अगर संभव होंगे, देखो बेटा सब जगह, कुछ जगह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, कुछ जगह लूज है। जैसे हमारे होम टाउन में है तो ये ग्रीन जोन में है, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत चीज़ें एक्सेस करने में सक्षम हो पा रहे हैं, लेकिन अपनी बहुत सारी फैकल्टीज जो रेड जोन में फंसी हुई हैं, तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कर पाए। तो धीरे धीरे चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, आपको ये लॉकडाउन के समय में अच्छा खासा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करना है। समस्या को बार बार बोल बोल के उसको इतना बड़ा मत बना दो कि दिमाग ही खराब रहे 24 घंटे। हाँ ठीक है, तकलीफ है, उस तकलीफ से बचो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक, तो आगे अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।